जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया। तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया। पहले भी तुम्हें कहीं देखा है? अच्छा, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, मुझे रेखा जैसी दिखती है, मुझे बहुत चढ़ गई है शायद। कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना।
मुझ से खफा हो जैसे, यूं ना मिल मुझ से खफा हो जैसे, साथ मिल के चल मौजें बहारा हो जैसे। इशियन रेडियो लाइव से आपके अपने चहीते शो मौज बहारा लेकर अस्मा चौधरी आपके रूबरू है। सभी सज्जनों और मित्रों, बिलियों और सहेलियों को बहुत ही प्रेम से और अदा से कहते हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन मौज बहारा। मधुर और सुरीली आवाजों के इस सफर में आप भी बन सकते हैं हमारे हम सफर। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आप इस वक्त एशियन रेडियो लाइव की रवानी में बह रहे हैं, एशियन रेडियो लाइव की मस्ती में झूम रहे हैं। आप सुनते हैं हमारी नशरियात ऑनलाइन, लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही खलूस के साथ मौज बहारा। तो यह खूबसूरत सा नगमा नाम करते हैं हम अपने सब सुनने वालों के, और मिलते हैं आपसे इस नगमे के उस पार।
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। से दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है जिस दिन गुरुवार का दिन आता है, क्योंकि गुरुवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए बहुत से गीतों की झनकारें, रंगों की बहारें और हंसी की फवारें। जी हाँ, हमारा भी इसी तरह से दिल बहलता है आपके आ जाने से। जब आप आ जाते हैं तो हमारा ये दिल जो है ना, ये गार्डन गार्डन हो जाता है। हम आपको बताते चलें कि आप हमारी ये नशरियात किस तरह से सुनते हैं। जी हाँ, हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टैबलेट से, आईपैड से, आईफोन से, और इसके अलावा और भी रास्ते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो सांस चढ़ गया है, दो मिनट सांस लेने दें, ठीक है। और आप सुन सकते हैं ट्यूरिन की सर्विस से भी। जी हाँ, आपको क्या करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक छोटा सा काम करना होता है। वो ये काम करना होता है कि आपको लॉगिन होना होता है asianradiolive.com की वेब पेज पर। जी हाँ, मौसम बदलता है तो बदले, लोग बदलते हैं तो बदले, ना हम बदले ना हमारी वेब पेज का एड्रेस बदले, ठीक है जनाब। तो आपको लॉगिन होना होता है asianradiolive.com पर, और वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं हमारी ये नशरियात। और आपको बताते चलें कि अगर आप भी हमारी इस मौज बहारा के उड़न खटोले में बैठना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो आप इस सफ़र की रंगीनी में चार चांद नहीं बल्कि कहना चाहिए कि 16 चांद लगा सकते हैं। जी हाँ, तो आप हमसे कर सकते हैं राबता। किस तरह से? अब पूरी दुनिया में जब आप होते हैं, दाएं बाएं, आजू बाजू, सच्चे खब्बे, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, कहीं पर भी आप होते हैं, आप हमसे कर सकते हैं राबता फ़ोन के ज़रिए। जी हाँ, ईमेल के ज़रिए और टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। अब आप हमें फ़ोन करेंगे तो क्या करेंगे, वही पुराना घिसा पिटा तरीका आपको हर बार बताते हैं और इस बार भी बताए देते हैं, बताए ही जाएंगे हम, कि 0114321637 आप करेंगे डायल, ठीक है। और अगर आप हैं सात समंदर पार दूर, जी हाँ, लेकिन हमारे दिल के करीब हैं, क्योंकि फासले जो हैं उनका कोई
मसला नहीं है, ठीक है। कुर्बतें बढ़ जाती हैं जब राबते होते हैं। इसी तरह से राबता जब आप करेंगे 0044 आप लगाएंगे ब्रिटेन का कंट्री कोड और आप डायल करेंगे 1143216377। और साथ भी आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं अगर आप बहुत ही वेरी गुड हैं टेक्स्ट मैसेज भेजने में, जो कि मैं नहीं हूँ। और 0759114-6209 पर आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा तरीके तो और भी बहुत से हैं, बहुत से रबते हैं, लेकिन ये है कि वो तो मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ बताती चलूँगी कि वो क्या रास्ते हैं। फ़िलहाल तो जो है ना, फ़िलहाल तो हम ये देखते हैं कि आज हमारे इस क्या कहना चाहिए कि मौज बहारा के उड़न खटोले में जो है ना, कौन कहाँ से आया है और किस पे बैठ के आया है। क्या चिंची पे आया है बैठ के, कोई चांद गाड़ी पे बैठ के आया है उड़न खटोले में, या पतंग बन के गुड्डी की तरह आया है। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि आज हमारा साथ देने के लिए पाकिस्तान कसूर से, जी वही कसूर है जो कसूरी मेथी भी जहाँ की बहुत मशहूर है, अलीम शकील साहब और इजाज भट्ट जो है वो इंडिया कश्मीर श्रीनगर से हैं आए। और अहमद फिजान वैसे तो होते हैं मक्का में, लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान गए हुए हैं। जी बिल्कुल पाकिस्तान गए हुए हैं। और दिल के राजा, जी आप सही समझे, फरीद राजा, हमारे दिल के राजा जिनको हम कहते हैं, वो जो हैं जनाब लाहौर से आए हैं। और मुझे लाहौर से एक और बात भी याद आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। और इसके अलावा नुसरत आरजू ने हमें सुनना शुरू किया है इंग्लैंड से ही, लंदन से। जी और मरियम अहमद कहाँ से हैं, मरियम अहमद हैं रोद्रम से। अब हमारे और भी साथी हैं जो कि जिन्होंने हमें सुनना शुरू किया है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। मेरा ख्याल है कि हमारे जो इतने सारे साथी आ चुके हैं, इन सबको जो है ना हम क्या कहते हैं, इन सबको हम जो है ना माजरत, गला जो है ना वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो हम अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको यही कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच फॉर यू ज्वाइनिंग अस। और इसके अलावा जो है ना, नाम करते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के, और बल्ले बल्ले आपकी जो है ना करवाते हैं, ताकि आप थोड़े से जो है ना वो थोड़े जोश में आएँ, कोई नाचें, कोई गाएँ, कोई मूड बनाएँ। ये क्या सड़ी बुसी सी शक्ल बना के जो है ना वो बस बैठ जाना होता है। आज गुरुवार का दिन है, आज आपको पता होता है कि आज मिलकर जो है ना वो बहारें लगाते हैं हम सब मिलकर, और इसमें जो है ना आपने भी थकना होता है और मैंने भी थकना होता है, ठीक है। आपको मैंने थकाना होता है, बल्कि ये कहना चाहिए। तो ये प्यारा सा नगमा बल्ले बल्ले आप सभी सुनने वालों के नाम। Sorry.
ਜੈਸਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਟ ਰੇਡੀਓ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ ਆਸਮਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ जी हाँ, एशिया रेडियो लाइव से आप सभी को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत ही प्यार से और नाज से हम कहते हैं कि वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और साथ जो है ना, अभी मैं ये वैसे नगमा सुन रही थी कि वो कह रहा था ए नारा 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 और जो है ना तिखियाँ छुरियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ गिन रहे थे। वैसे ये लड़कियों के बारे में जो है ना वो इस तरह के बातें और ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्यों होती हैं। वैसे अब लड़कियों के बारे में ये भी सुना है, कहते कि वो बात नहीं पूरी सुनती और फटाफट जो है ना आगे से जवाब देना शुरू कर देती हैं। अब वो किस तरह से, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे क्या बातें कर रहे थे, वो ये बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि ये जो गूगल सर्च इंजन है इसके बारे में, ठीक है। एक कहता है कि यार ये गूगल जो है ना ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो दूसरा कहता है कि 100% लड़की है। कहता तुम्हें कैसे पता, कहता क्योंकि ये अपनी तो बात कहने का मौका ही नहीं देती, पूरी होने से पहले ही अपना जवाब देना शुरू कर देती है, अपनी ऑप्शंस देनी शुरू कर देती है। तो ये देखें कि इस तरह से लड़कियों के बारे में कि लड़कियां बातें नहीं सुनती, लेकिन अब लड़कियां बदनाम हो चुकी हैं इस मामले में, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बदलेंगी भी तो जो है ना मानना किसी ने नहीं है, इसलिए नहीं सुनती ना सुने। और गूगल से मुझे जो है ना वो एक और बात याद आ रही है जो कि मैं बहुत आपको
जेन्युइन बात बताने जा रही हूँ कि इसी तरह ना यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है कि लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और हमें जो है ना वो गूगल सर्च इंजन वहाँ पर लाइब्रेरी में हमें अलाउ नहीं था, हम लोग और सर्च इंजन यूज़ करते थे। तो अब जो है ना वो मेरा क्लास फेलो जो कि और किसी ये अरब कंट्री से था, और वो जो कहता है ना हम ढूंढ रहे हैं कोई चीज़, उसमें केस डाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो कहता है आप छोड़ें ना सिस्टर, आप इसको गुलगुल करें। तो मैंने कहा गुलगुल करूं, गुलगुल क्या है? कहता वो देखो ना गुलगुल पे डालते हैं तो सारा कुछ आ जाता है, ये कैसा है इसमें डालने के बाद नहीं। मतलब ये कि वो गूगल को गुलगुल कह रहे थे, और उस दिन से जो है ना वो अभी पे मेरे मुँह से गुलगुल ही निकल रहा था, क्योंकि मैंने भी गुलगुल कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई कभी कहते तुम्हें शायद पता नहीं है, इसी तरह मैंने नाम लिया घर में, कहते गूगल होता है, मैंने कहा नहीं नहीं गुलगुल ही होता है, बस छोड़ो मैंने कहा गूगल शूगल को। ये हिसाब और ये हाल जो है ना वो होता है। बात हम ऐसे ही कर रहे थे लड़के और लड़की के बारे में, तो ये हमारी वैसे आजकल की जो जनरेशन है ना इसका तो वैसे बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है कि वैसे देखें आप कभी अगर गौर करें कि अगर चैट कर रहे होते हैं तो इंग्लिश में होती है, और अगर इनको जो चार लफ्ज़ लिखने के लिए कह दें तो वो ना तो प्रॉपर मतलब के ग्रामर होती है और ना उसमें जो है ना वो यू भी दूसरा लिखते हैं, और इस तरह से करके ऐसे मैं बात कर रही हूँ कि इसी तरह ना एक लड़का और लड़की जो है ना एक पार्क में बैठे हुए थे, तो लड़के के बुजुर्ग पड़ोसी ने ना देखा और देखकर ना मतलब कहा कि क्या यही हमारी तहजीब है। ठीक है, अब लड़का कहता है नहीं बाबा जी ये तो हमारे साथ वाले मोहल्ले की अंदलीब है। ये आप देखें कि इतनी बाबा जी ने जो है ना वो अगर लैंग्वेज बोली है वो इतनी मतलब शुद्ध लैंग्वेज बोली है कि उनको समझ ही नहीं आई कि वो कहता नहीं बाबा जी ये तो साथ वाले मोहल्ले की अंदलीब है जी। इसी तरह से अभी जो नगमा है ना ये बड़ा सोना सोना सा नगमा है, और जो है ना आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नगमे की क्या ख़ास बात है, और ये मैं क्यों इसको सोना सोना कह रही हूँ आपको कुछ याद आ जाएगा। Thank you.
हवा हवाई हवा हवाई, इसको सुनने के बाद आपको कुछ याद आया, दैट वाज फ्रॉम द एल्बम मिस्टर इंडिया। और मिस्टर इंडिया में जो है वो काम किया था, किसने किया था, वो अनिल कपूर और श्रीदेवी की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिल्म थी। सो सॉन्ग इज रियली इट्स रियली फैंटास्टिक सॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे बता सकते हैं जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप कैसे बता सकते हैं? यू कैन रिंग मी ऑन 01432163377। जी हाँ, और आप इसके अलावा टेक्स्ट भी कर सकते हैं 07591146209 पर। और आपको हम बताते चलेंगे, इसके अलावा आप अगर ईमेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप ईमेल बहुत ही नाज से, प्यार से और हाय हाय अदा से asma@asianradiolive.com पर। जी हाँ, आप सभी की फरमाइशें, आप सभी की रिक्वेस्टें जो मेरे पास है मैं लगा रही हूँ, अभी शुरू करती हूँ। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सब्र, और उसके बाद जो है ना आप सभी के जो है वो नगमे शुरू करते हैं लगाना या करना, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से क्या होता है कि नर्स होती है तो वो आकर जो है ना वो देती है, मुबारक देती है, कहती है कि साहब जी मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है, ठीक है? अब वो साहब आगे से जो कहते हैं, अकल के पूरे जब होते हैं तो वो आगे से ये कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या तकनीक है भाई, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, बीवी मेरी हस्पताल में दाखिल है और यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ है। जो अंदाज़ा कर लो आप, अब ऐसा ही होता है पूरी अकल के लोगों के साथ, ठीक है? आप भी बता सकते हैं कि आप किस तरह हैं, कैसे बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि आप इस वक्त जो है ना दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, किसी भी हिस्से में हैं, चाहे आप अंटार्कटिका में ही क्यों ना हो, आप हमारे जो नशियात है ना वो सुनते हैं ऑनलाइन। और आपको क्या करना होता है, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से और आईपैड से, आईफोन से, कहीं से भी आप जो है ना अपने स्मार्टफोन से आप क्या कर सकते हैं, जी हाँ वही राग अलापती हूँ, ना हम बदले हैं ना हमारी बदलेगी वह पेज, सदा दोनों एक जैसे रहेंगे। तो आपको लॉग इन होना होता है asianradiolive.com की वेब पेज पर और वहाँ पर जाकर आप हमारी ये नशरियात जो है ना वो सुन सकते हैं। और नशरियात के साथ साथ जो है ना आपको मैं थोड़ी सी और भी बात बताऊँ कि नशरियात के अलावा हमारे जो स्टार्स हैं, आपके फेवरेट स्टार्स जो हैं, कोई आर्टिस्ट आपके हैं, तो इसी तरह अगर आप हमारे वेब पेज पर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको उनके जो है ना उनके क्या कहना चाहिए कि उनकी डिटेल हिस्ट्री या फिर उनके उन्होंने अपनी लाइफ का जो है सफ़र कैसे शुरू किया और वो यहाँ तक इस मंजिल तक कैसे पहुँचे स्टेप बाय स्टेप, ये सारी बातें जो है ना डिटेल हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए, मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए। जी हाँ, ये जो अगला नगमा है ना ये प्यारा प्यारा सा नगमा है और ये जो है ये किस फिल्म से लिया गया है, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी नमक हलाल, याद है मुझे अभी तक, ठीक है? और ये उस फिल्म का बहुत ही सोना मनमोना प्यारा सा नगमा है और ये नगमा जो है ना हम नाम करते हैं जी दिल के राजा फरीद राजा और लाहौर से जो हमें सुन रहे हैं बहुत प्यार से और बहुत नाज से करते हैं ये नाम हम उनके। और इस नगमे के बाद जो है ना क्या करेंगे, इस नगमे के बाद देन हम आपके साथ जो है ना वो बात करेंगे, ठीक है, कुछ लाहौर के हवाले से। जवान जान मन हसीन दिल रुबा
पर मबनी सदा बहार की आप सुन सकते हैं एशियन रेडियो लाइव पर अस्मा के साथ। न सिर्फ गीत बल्कि आप सुन सकते हैं कलाकार की बायोग्राफी, रोमानवी शायरी। याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। और जदीद चैनल का मुतारिफ बजरिया आवाज का जादू, तो सुनना मत भूलिएगा आपके अपने चहेते रेडियो पर www.asianradiolive.com। गूंजती है एशियन की आवाज अब हर जगह और हर सिम।
जी हाँ, गूंजती है एशियन की आवाज़, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें एक मैसेज आया और उस मैसेज को पढ़ के जो है ना वो मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो मैसेज ये है कि वो मैसेज सहराओं से आया है। अहमद फिजान साहब वो ये कहते हैं कि जहाँ पर जो है ना लिंक भेजा है, थोड़ा सा हाई स्पीड का आप क्या कहते हैं इंटरनेट भी भेजते हैं, लेकिन भाई अगर हमारे बस में होता ना तो हम ज़रूर आपके लिए थोड़ा सा क्या बल्कि हम काफ़ी सारा भेज देते, लेकिन अब हमारे बस में नहीं है। अब आप गुजारा शुजारा करें इससे जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और गुजारे के साथ है ना जो आप हमें बताना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं फोन, जी हाँ, किस तरह से 01432163377। और अगर आप करेंगे सात समंदर पार से तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे ब्रिटेन का कंट्री को 0044 और 01432163377। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अगर बहुत ही अच्छे हैं राइटिंग में, आपकी बहुत स्पीड है, स्पीड है इंटरनेट की तरह जो है ना वो स्पीड है आपकी 50 MB पे चली जाती है, तो आप SMS करते हैं तो आप मुझे SMS भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 0759114609 पर। और इसके अलावा जो है ना आप अगर ईमेल भेजना चाहें, आपका दिल करता है तो आपको जो है ना वो भी आप भेज सकते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप इस वक्त सुन रहे हैं मौज बहारा, और मौज बहारा में लेकर आते हैं आपके लिए हर गुरुवार को बहुत से गीतों की बहारें, बहुत से नगमों की झनकारें और बहुत बहुत कुछ। अभी जो अगला नगमा है ना ये नगमा जो है ना ये सुनना चाहते हैं लीड से जिशान, और ये सुनना चाहते हैं किसके लिए, अपनी सजनी के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि मुझे जो गाना ये है ना ये बहुत पसंद है, पंजाबी का एक नगमा है ये, और आप भी सुनिए, आप भी बताइए। ये कहते हैं कि तोड़ तेरी मस्तानी, लेकिन आजकल तो वैसे भी सर्दियां आ गई हैं, मेरा ख्याल है कि चालें जो हैं वो बिगड़ी हुई होंगी, क्योंकि गोडे गिट्टों में दर्द जो पुरानी चोटें हैं वो बहाल हो जाती हैं ना, तो तोड़ तेरी मस्तानी है, देखते हैं कि इनकी मस्तानी तोड़ कैसे हुई हुई है। पतले लतरे शमदा लहंगा गोरी तौड़ तकाली गानी
अच्छा नहीं अच्छा कि नचला गिद्दे में जितने प्यार से आपको मलकू बुला रहे हैं, तो फिर ये कौन है जो कि ना जाए। मेरा तो ख्याल है कि नचना चाहिए, जाना चाहिए। और महबूबा से मिलने का बड़ा शौक था। एक दिन लिख दिया ख़त इसको, भोली भाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, दे दिया ख़त अपने भाई मुख्तियार को। मैंने दरिया की बहुत बड़ी मौज देखी, जब अपने पीछे मुख्तियार की फ़ौज देखी। लोगों ने कहा ये किस पे अजाब आया, मेरे दिल ने कहा नास पुत्र ये तेरे ख़त का जवाब आया। आपने भी कोई ऐसा ख़त अगर लिखा हो और इस तरह का कुछ हुआ हो तो आप भी बता सकते हैं। जी हाँ, आप इस वक्त सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से मौज बहारा, आपके लिए लेकर आते हैं हम हर गुरुवार को, और बहुत ही प्यारे प्यारे से नख़मे जो है आपके लिए लाते हैं, खुद भी नाचते हैं और आपको भी नचाते हैं। किस तरह से आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं ये नहीं हम कहने वाले, बल्कि आपको जो है ना आपको हम बहुत प्यारे प्यारे से माहौल के लिए जो है वो करते हैं। अब जो अगला नगमा है, ये अगला नगमा हम नाम करने जा रहे हैं, ये फरमाइश इसकी इन्होंने की है सबा ने, सबा अली ने रोद्रम से, और वो सुनना चाहती हैं अपने बलमा सजना क्या कहना चाहिए पति देव के लिए। तो ये प्यारा सा नगमा जो है ना, ये हम नाम करते हैं एशियन रेडियो लाइव से सबा अली की तरफ से राना अली को। जी हाँ, लैला मजनू शेरी फरहा ही रांझा ये नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।
इस वक्त एशियन रेडियो लाइव की रवानी में बह रहे हैं. आपको बताते चले कि हम इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और दूसरे घंटे में, और इस दूसरे हिस्से में आप सभी को, जी हाँ, आप सभी सज्जनों, मित्रों, बेलियों और सहेलियों को, इन्होंने सुनना शुरू किया है, हम उनको ये कभी नहीं कहेंगे क्या नवा आया है सोनिया. हम तो आप सभी को, जो नए हैं पुराने हैं, आप सभी को हम ये कहते हैं वेरी गुड इवनिंग और वेलकम इन मौज बहारा. आते रहिए, अपने बहारों के रंग यहाँ पे आके बखेरते रहिए और इसी तरह से जो है ना वो मौज मेले लगाते रहिए. अच्छा, वैसे आजकल के हम बात कर रहे थे, पहले हमने जिस तरह से बात की हमारी आज की जनरेशन की और पढ़ाई की और ये वो बात कर रहे थे, इसी तरह से जो है ना वो एक बहुत ही जीनियस किस्म का स्टूडेंट, जो कि एक होते थे ना, वर्ड्स दिए जाते थे और वर्ड्स के जो है ना सेंटेंसेस बनाते थे, मुहावरे होते थे, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना आप इस तरह से कह सकते हैं. ऐसे ही एक स्टूडेंट को जो है वो दिए गए मुहावरे. अब वो क्या मुहावरे थे? बाल बाल कर्जे में जकड़ना, अहमद का बाल बाल. अब स्टूडेंट ने आगे से क्या जवाब लिखा है आप सोचें. अहमद का बाल बाल कर्जे में डूब चुका था, लिहाजा इसने बाल ही कटवा दिए और गंजा हो गया. दांत खट्टे करना, अली ने अपने दोस्त को चिल्ली मिल्ली खिलाकर उसके सारे दांत खट्टे कर दिए. ओए होए, पांचों उंगलियां घी में, शबनम की पांचों उंगलियां घी में थीं क्योंकि चमचा नहीं मिल रहा था और डब्बे से जो है ना वो घी निकालना भी ज़रूरी था. कीचड़ उछालना, मैंने जैन के घर जाकर उसकी शिकायत की और उसकी अम्मी को कहा कि आंटी देखें, इसने मेरे पे कीचड़ उछाल कर सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं. अब आखिरी जुमला जो है वो बनाया, और किस तरह से आसमान से बातें करना. कल मैं समोसे लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पागल आसमान की तरफ मुंह करके आसमान से बातें कर रहा है. अंदाज़ा करें कि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई करते हैं और किस तरह जो है वो शानदार किस्म का जो है इस्तेमाल करते हैं. पढ़ाई से मुझे एक और बात याद आई है कि इसी तरह से ना, सुबह का टाइम था तो माँ बच्चे को उठा रही है, माँ बच्चे को कह रही है कि उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना, तुमने सोया हुआ था. तो वो आगे से कहता है कि माँ मैं सारी रात पढ़ता रहा हूँ और आप जो है ना, आप मुझे कह रही हैं कि उठ जाओ, अब नींद आ रही है मुझे. तो माँ कहती है कि बेटा रात तो बत्ती गई हुई थी. कहता है माँ मैं पढ़ाई में इतना मसरूफ़ था कि मुझे बत्ती के जाने का पता ही नहीं चला. जी, अंदाज़ा करें जी. और इसके साथ ही जो है ना, अभी अभी हमने स्वयं जो है ईमेल मिला है, कहाँ से? हडर्सफील्ड से मिला है, रुखसाना का. क्या कहती हैं रुखसाना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल एंड जॉइनिंग अस. और आपको हम जो है दिल की तमाम गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं और आपका पसंद का नगमा जो है आपके लिए, आपने जो मांगा ले आए हम. तो नाम करते हैं एशियन रेडियो लाइव से रुखसाना के नाम, हडर्सफील्ड से. दिल से
पुराने गीतों पर मबनी सदा बहार गीत आप सुन सकते हैं एशियन रेडियो लाइव पर अस्मा के साथ। न सिर्फ गीत बल्कि आप सुन सकते हैं कलाकार की बायोग्राफी, रोमानवी शायरी। याद रखो तो दिल के पास है हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। और जदीद चैलेंज को मुतारिफ बजरिया आवाज का जादू, तो सुनना मत भूलिएगा आपके अपने चहेते रेडियो पर www.asianradiolive.com। गूंजती है एशियन की आवाज अब हर जगह और हर सिमत। जी हाँ, एशियन रेडियो लाइव से आप इस वक्त सुन रहे हैं मौज बहारा, और मौज बहारा हम आपके लिए लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं हम आपके लिए? लेकर आते हैं हर गुरुवार को बहुत ही प्यार से, और थर्सडे को इंतज़ार रहता है आपसे मिलने का। और आप सभी की रिक्वेस्ट जो है वो हमने कोशिश आज कर रहे हैं कि सारी पूरी हो जाए। और बाकी आप जो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट जो है ना वो आज तो नहीं, लेकिन ये आपके साथ जो है ना वो पक्का पक्का वादा है कि अगले प्रोग्राम में जो है ना वो आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर प्ले की जाएंगी। आपने जो मुझे ईमेल्स भेजी थी, जो आपने मुझे सारे खत पत्र लिखे थे, उन सारे खत पत्रों से जो है ना वो मैं आज ले आई हूँ। और जो है ना इसके अलावा जो है रुखसाना जो है हडर्सफील्ड से ना वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा है ये नगमा, और उनका ये फेवरेट नगमा है और सुनना बहुत ही अच्छा लगा है दोबारा काफ़ी अरसे के बाद। आप क्यों इतने अरसे के बाद नगमे सुनती हैं? मौसीकी तो वैसे भी कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा होती है, आपको तो नगमे जो है वो सुनते रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो छुक 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 होती रहे। और इसके अलावा जो हम अगला नगमा प्ले करने जा रहे हैं वो नगमा किस किस के नाम है। जी हाँ, उस नगमे की फरमाइश जो की है ना आप सभी ने, रली मिल्ली सी फरमाइश आई है, और इसकी फरमाइश की है रावलपिंडी से खयाम शहजाद ने, उमर अखलाक ने दुबई से, और इमरान शहजाद ने जो है ना वो कहाँ से की है? इमरान शहजाद ने की है मुल्तान से। जी हाँ, मुल्तान की क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं ये तो हम बताएँगे आपको बाद में। तो पहले ये पंजाबी का नगमा जो कि आवाज़ है मेरा अरशद की, तो ये कुछ सुनाना चाह रही हैं, देखते हैं कि ये क्या ढोला ढोले को सुनाना चाह रही हैं। जी
क्या गल सुननी, अगर टोलना वैसे ही डोरा हो बहरा हो तो फिर अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि वो गल बात सुनेगा कि नहीं। अगर सुने भाभी की तो वो कुछ और ही सुनेगा, जब सुनाएंगे तो वो आगे से कुछ और ही सुनेगा। इसी तरह से मुझे एक बात याद आ रही है कि इसी तरह एक ना शख्स की जो है वो मंगनी हो जाती है, और वो मंगनी के बाद जो है ना जाता है, पहली बार उसने अपने ससुराल जाना होता है, ठीक है, और ससुराल जाना होता है तो वो ना बहरा होता है और अपने जो है वो मतलब अपने कहता है, बाप को कहता है कि आप मेरे साथ चलो क्योंकि मैंने पहली बार जाना है तो मैं कोई गड़बड़ ना कर दूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कहीं और काम जाना है, इसलिए जो है ना वो तुम चले जाओ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो क्या बातें करेंगे और तुमने उनका क्या जवाब देना है। कहता है चलो ठीक है। कहते कि सबसे पूछेंगे, सबसे पहले तुम्हें पूछेंगे सवाल नंबर एक, ठीक है, तुम कैसे हो, ठीक है। तुमने कहा ना मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। नंबर दो, वो उसके बाद क्या पूछेंगे, उसके बाद जो पूछेंगे वो कहेंगे कि खाना पीना क्या है, तो तुम कहना कि बस जी मैं कुछ ज़्यादा खाता पीता तो नहीं हूँ लेकिन जो आपका दिल करता है वो पका ले, ठीक है। आगे जो है ना वो जो भी बात कहे ना तुम बस यही कहना बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब ठीक है, वो चला गया बेचारा। अब सिनेरियो वहाँ पे जब जाता है अपने ससुराल में तो सिनेरियो चेंज हुआ हुआ होता है। जब वो जाके बैठता है, अपने ससुर को मिलता है और दुआ सलाम करता है और ससुर साहब उससे पूछते हैं हालचाल, तो वो पहले तो कह देता है कि ठीक है ठीक है। अब अगला सवाल जो है ना, अगला उसने पूछना होता है कि ठीक है कि तुम कैसे हो या किस तरह से, तो वो कहता है कि बेटा हमने तो सुबह से जो है ना कुछ भी नहीं खाया पकाया, और उसकी वजह ये है कि जो है ना वो रानों की नानी फोत हो गई है। तो आगे से ये कहता है बहुत अच्छा हुआ। अब उसको तो यही बताया था ना कि उसने बहुत अच्छा ही कहना है, ठीक है। आगे वो कहता है कि हम तो आराम से बैठे हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया पकाया, तुम बताओ कि तुमने जो है वो क्या खाना पीना किस तरह से है। तो कहता है बहुत मंदा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये इस तरह का हाल होता है कि अगर बंदे को ना सुनता हो या ना करता हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े पते की बताती हूँ, एक बात पते की मैं आपको ये बताती हूँ कि वैसे बेशक चिल्ला चिल्ला के इनको पूछते रहें पानी रोटी जो भी कुछ भी आपने जो है ना वो करना है, लेकिन जो इनके खिलाफ अगर आप बात ज़रा सी भी करेंगे ना, छोटी सी बात भी करेंगे, तो वो तब इनके पूरे कान जो है ना वो खड़कन्ने बन जाते हैं, इनको बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। आप चाहे आजमा के देख लें। और आजमाने से मुझे एक और बात याद आ रही है कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो जब हम गुड्डी उड़ाते हैं तो उस गुड्डी को उड़ाने पर जो है ना वो किस तरह से जो है उसको कन्नी दी जाती है, ठीक है। अब जो है ना कन्नी तो हमने दे दी थी, और उससे पहले भी जो है ना वो मैंने आपको बताया था, आपको क्या बात बताई थी, आपको मैंने उस वक्त भी बड़ी ही कोई काम की पत्ते की बात बताई थी। और आज जो है ना, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक ज़माना था जब सुनते थे सारे कि अगर आपने किसी का इखलाक चेक करना हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ सफ़र करें और आप जो है ना उसके साथ खाना खाएं भी। अब खाने का बिल कौन देगा, सफ़र का किराया कौन भरेगा, ये सारी बातें हो गई हैं पुरानी। तो अब जो है ना अगर आपने किसी का अखलाक देखना हो ना तो मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ कि वो आपने क्या करना है। आपने गर्मियों के महीने में शदीद गर्मी जब होगी ना, आपने पंखे का रुख अपनी तरफ कर लेना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन कितने अखलाक का मालिक है, ठीक। ये टिप है आपकी, और ये जो टिप है ना ये नीम हकीम खतरा जान की टिप नहीं है, ये बिल्कुल आजमाई हुई टिप है, और आप इसको आजमा कर देखें। मैं कहती हूँ जनाब जी लग पता जाएगा कि कौन कितने अखलाक का है। ज़रा सा आप पंखे का रुख जो है वो अपनी तरफ तो कीजिएगा जनाब, फिर आपको पता चलेगा। जी हाँ, ये अगला नगमा जो है ना, अगला नगमा आपके नाम हम करने जा रहे हैं। इसकी फरमाइश की है ड्यूसबरी से, इसकी फरमाइश की है ड्यूसबरी से अदीम सादिक ने जी। दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी जोशीले, और ये थी 1989 की फिल्म है। बड़ा सोना सा मनमोना सा नगमा है। ढोला ढोल मचीरा आहा, ¡Gracias!
मची रहा, ढोला ढोल मची रहा, ढोला ढोल मची रहा, बाजे रे काली जीत का जागरा, नजारा मारे रे ढोला ढोल मची रहा, बाजे रे काली जीत का जागरा, नजारा मारे रे ढोला ढोल मची रहा। अभी मैसेज मिला है हमें बुशरा सादी का, कहाँ से, फैसलाबाद रे यूनिवर्सिटी से, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन मौज बहारा। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर टेक्स्ट एज वेल। सो अब जो आपको बताते चलें कि वक्त के जो काफ़िले हैं ना, वो भागते जा रहे हैं, और वक्त के काफ़िले भागते जा रहे हैं, और लेकिन हम आपको तन्हा छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम आपको मौज बहारा में तो छोड़ जाएंगे, लेकिन मौज बहारा के बाद लेकर आएंगे ए महमूद अपना बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुहाना सा शो। तो कहीं भी मत जाइएगा, आप जहां पर बैठे हुए हैं वहीं पर बैठे रहिएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एशियन रेडियो लाइव 24 आवर्स 7 डेज अ वीक नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक आपके लिए लेकर आता है हर किस्म की नशरियात। जी हाँ, आप जैसी नशरियात सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों। आपको पहले कहा है जनाब, आजू बाजू दाएँ बाएँ सज्जे खब्बे ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पर भी आप हैं, अरे सजनों और मित्रों, बेलियों और सहेलियों, आपको बस एक आसान सा काम करना होता है, और वो काम क्या करना होता है, आपको लॉगिन होना होता है एशियन रेडियो लाइव डॉट कॉम की वेब पेज पर, और अपने स्मार्टफोन से और आप लैपटॉप से आप कहीं से भी जो है ना वो आप नशरियात हमारी जो है ना वो सुन सकते हैं।
सुनने के साथ साथ जो है ना आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कहाँ पर, asma@asianradiolive.com पर, और जो है ना वो हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमेशा ये कहा है कि कोशिशें कामयाब होती हैं, और हमारी पूरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम जनाब आपके लिए जो है ना वो प्यारे प्यारे से नगमे जो आपने फरमाइश की है आप भी झूमते हैं मस्ती में गाते हैं, और हम भी आपके साथ मिलकर जो है ना वो उंगलियों पर नचाते हैं आपको। जी हाँ, अब जो अगला नगमा है ये नगमा जो है ना नाम करने हम जा रहे हैं नुसरत आरजू जी के, इसके नाम हम के नाम करने जा रहे हैं, और यही नगमा जो है ना हम नाम करने जा रहे हैं नवाब परदेसिया के। जी जी ना जनाब, ये किस बात से आप परदेसी हो गए कि दिल मेरा परदेसी हो गया? आपको परदेसी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके नाम जो है ना वो हम करते हैं ये प्यारा सा सुहाना सा नगमा, और इसको सुनने के बाद मुझे आप बताइएगा कि आपको जो है ना ये नगमा आपको कैसा लगा। Thank you.
मेरा नाम चिंचिंचू या मेरा नाम नहीं है चिंचिंचू, वो तो वो मैं ऐसे ही कह रही थी, नगमे के साथ गा रही थी। मेरा तो वही पुराना नाम है और मेरे स्टेशन का भी वही पुराना नाम है जो आपको कितनी बार बताया है, asianradiolive.com। जी हाँ, और मेरा भी वही पुराना और मेरे शो का भी वही नाम है, मौज बहारा। ना हम बदले हैं, ना बदला है ज़माना और ना बदले हैं नाम। और ये तो बस ऐसे ही हमने कहा कि मेरा नाम चिंचिंचू, हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चिंचिंचू बन जाते हैं, ठीक है। और अब जो अगला नगमा हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, वक्त जो है ना वो भाग 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 रहा है और अगला नगमा हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, मोहम्मद इब्रार ने हमें सुनना शुरू किया है हैदराबाद इंडिया से। और इसके अलावा जनाब नवाबों का शहर है ये भी, और एक और नवाबों का शहर से जो है एक और नवाब जो है वो सलाम भेज रहे हैं, क्या कहते हैं, लखनऊ से। अदनान नज़र साहब कहते हैं कि जी सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरा सलाम कह दीजिए, जी आपने कहा पकड़ा हमने दे दिया सबको सुना दिया, ठीक है। तो अब जो है ना वो वैसे अब मैं क्या कहूँ, जो अगला नगमा है ना जनाब, ये नगमा जो है बड़ा प्यारा सा नगमा है और ये नाम करने जा रहे हैं हम एशियन रेडियो लाइव से अदनान नज़र और मोहम्मद अब्रार के नाम, बच के रहना रे पापा बच के रहना तू।
यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। जीना तो है चार ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। आंखों से जाम पियो लेके मेरा नाम जियो, दिल मेरा आपका घर है। और लाखों में तू एशिया रेडियो लाइव से आप इस वक्त सुन रहे हैं मौज बहारा, और आप इस वक्त उड़ रहे हैं मौज बहारा की मस्ती में। और आपके लिए जो है हर गुरुवार को हम आपसे मिलते हैं, और हर जो है क्या कहना चाहिए कि हर मंडे को भी आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यार से और नाज से, बहुत प्यारे प्यारे से प्रोग्राम्स। और अभी जो अगला नगमा आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, ये बड़ा ही झूम झमाटे वाला नगमा है, और ये नगमा जो है ना आप सभी के नाम हम करते हैं। और ख़ास तौर पर जो है ना इस नगमे की फरमाइश की थी, कहाँ से की थी, पाकिस्तान सिंध से नईम असगर ने फरमाइश इसकी की थी, और वो सुनना चाहते हैं अपनी प्यारी प्यारी दो भांजियों नवीरा के नाम और वानिया के लिए, और अपनी बहन सुमेरा के नाम और अपने भाई रियाज के लिए। तो हम ये नगमा जो है ना अगला ये पेश कर रहे हैं नईम की जानिब से उनकी फैमिली के नाम, और आप भी मुझे इसको सुन के बताइएगा कि आपको ये नगमा कैसा लगा। हेलो 9820262 BPL, अरे 9820262 35 मैक्स टच। छे यार, जिस लड़की को पटा देगा वही फोन पर नहीं आती है।
What is your gully number? What is your road number? What is your ghar ka number? What is your college number? You know my handle number. Kar dungi tujhko andar. Tum gai ko gussa gussa. What is your cooling number? What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? Karo kya dial number? It's alright, it's alright. It's alright, it's alright. जी हाँ, आपने नंबर कौन सा डायल करना है आपको इतनी बार तो बताया है। आसान सा नंबर आपने डायल करना होता है 01143216377। इतना झूम झूम के गाने की और बताने की पूछने की क्या ज़रूरत है, आप तो ना भी पूछें तो मैं आपको आते ही बता देती हूँ। और अगर आप करेंगे फ़ोन कहाँ से करेंगे, सात समंदर पार से, तो आप लगाएंगे ब्रिटेन का कंट्री कोड। जी हाँ, 00444-1432-16377। और फिर आप जो है ना SMS भी भेज सकते हैं, लेकिन वक्त जो है ना, वक्त आप जो है नंबर बताने का नहीं है, बल्कि अब टाइम बताने का आता जा रहा है। और जो है ना, वक्त भागता 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 ही जा रहा है। अब जो अगला नगमा है ना, ये नगमा बहुत ही प्यार से जो है ना, ये हमें इसकी रिक्वेस्ट जो है वो भेजी थी मरियम ने, और ये सुनना चाहती हैं। नगमा अपने सजना बलमा, क्या कहें, जो भी नाम प्यारा है, प्यार का प्यारा ही नाम होता है। और मोबाइल से मुझे एक बात याद आई है कि वो कह रही है कि व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर और व्हाट इज़ योर स्टाइल नंबर। वैसे आपको कभी ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि अगर आप कभी लड़कियों का मोबाइल देखें ना, तो लड़कियों के मोबाइल में जो नंबर फीड हुए हुए होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जानू, शोना, मेरी जान, ठीक है। अब जब लड़कों का अगर फ़ोन आप देखें ना, तो लड़कों के फ़ोन में नंबर क्या डायल हुए होंगे, रूफा पानवाला, रशीद पलम्बर, ठीक है। अब लड़कियों के नाम इस तरह से रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब जो अगला नगमा है ना, अंदा तेरे लिए और रेशमी रूमाल, मेरे से तो अब आज गाया भी नहीं जा रहा है, तो मैं गा के बताती। ये नगमा जो है ना, ये नगमा वैसे तो मैडम ने गाया है, हमारी मैडम नूरजहां ने, लेकिन ये नगमा नूरा लाल की आवाज़ में है, और नूरा लाल ने लियांदा है कोई रेशमी रूमाल और उत्ते जो है ना उसके नाम कढ़िया है। अगर ये नाम ना कढ़ती, कुछ चार जमातें पढ़ लेती, तो मेरा ख्याल है सियासत में ही आ जाती। लेकिन चलो देखते हैं कि उन्होंने ने ये नाम कड़ा कैसा है। ठंडी ठंडी छांड,
जुल्फा दी ठंडी ठंडी ठा अच्छा, और अगर अगर जुल्फें इतनी लंबी हो ही ना तो फिर बंदा क्या करे, ये भी तो बात आप सुने ना। ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनकी जुल्फें लंबी लंबी हैं, जो बेचारों की जुल्फें छोटी छोटी हैं या फिर जुएं पड़ी हुई हैं तो वो फिर क्या मसला उनके साथ होगा। चलिए कोई बात नहीं, वक्त जो है ना वो भागता जा रहा है और हम आपको क्या कहेंगे कि रोज़ शामें ढलती हैं, रोज़ सुबह होती है, रोज़ दिन चढ़ता है और वक्त के काफ़िले जो है वो कभी नहीं रुके। इसी तरह से कहते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त के साथ साथ चलते रहें, यही है बेहतर आदमी के लिए। आप सभी की आमद का, आप सभी के पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे मौज बहारा और लगाएंगे बहुत सी बहारें मिलकर गुरुवार को। जी हाँ, आप सभी की शिरकत की राहें और निगाहें रहेंगी मुंतज़िर। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। इसके साथ ही अब अस्मा आपसे चाहेगी रुख्सत और आपको छोड़े जा रही है एक और शो एम महमूद के साथ। मुझे नौलखा मंग